हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। मैं हूं अंशु सजवान और आप देख रहे हो सजवान डायरी। अभी जस्ट हमने नाश्ता किया, अभी हम धूप सेकेंगे, थोड़ा धूप सेकते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में। सो गाइस, आज का इंट्रोडक्शन जो है अंशु नदिया, लेकिन आगे की वीडियो मैं आपको बताऊंगा। और अभी जो है हम धूप सेकने के लिए आ रखे हैं गाँव से ऊपर, और इस ग्राउंड में जो कि आप देख रहे हो, पिछले वीडियो में भी देखा होगा आपने। और अभी फिलहाल चलते हैं हम नीचे घर पे। चलें, चलो चलो चलते हैं, गांव के रास्ते से जाएंगे इस बार बीच से, ठीक है, चलो। और गाइस, अभी हम जो है आ चुके हैं यहाँ गांव के धारे पे, जहाँ पे जो बहुत पहले का धारा है, आज का नहीं है ये, बहुत पहले से। इस पर अभी देखो लकड़ी लगा रखी है पानी रोकने के लिए, तो इसमें देखते हैं कितना पानी आ रहा है। वैसे पानी तो बहुत है, इसको पैक कर लेते हैं। ओ भाई, बहुत ठंडा पानी है, तो सर्दियों में चिल्ड पानी, तो ये शायद टैंक है इसमें, और यहाँ निकलता हुआ पानी है। बाकी तो अब तो सब जगह गांव में नल लगे हुए, हर घर नल शायद, तो सबके घर में नल लगे हुए, तो इसलिए यहाँ पे अब पानी कम ही लोग आते हैं भरने के लिए, वरना पहले दिव्यांश ने बहुत पानी सारा हुआ यहाँ से, है ना? इतनी सारी कैन सारी पिंकर। तो अब चलते हैं आगे घर की तरफ हम, तो चलो। सो गाइस, आज जो है हमारा घर जाना हो गया है कैंसिल, तो हमने सोचा फिर घर पे क्या करें, तो हम जो है फिर घूमने आ गए। और यहाँ सामने जो गांव है, यहाँ ऊपर पे उत्तरसू गांव है, वहाँ पे हो रहा है चक्रव्यूह, तो सोचा चलो वहाँ चल जाते हैं, आज थोड़ा सा घूम फिर लें और वहाँ का चक्रव्यूह देख लेते हैं। और हम आए थे एक चक्रव्यूह देखने के लिए, और यहाँ पर दूसरा भी देखने के लिए तैयार हो गए, यानी कि अभी जाने की तैयारी है, तो गाड़ी लेके जाएंगे हम यहाँ आगे पे तक, यहाँ तक, और यहाँ से फिर पैदल का रास्ता है ऊपर के लिए। तो अब ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं और जल्दी से चलते हैं। और गाइज, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी, और यहाँ से अब जो है ऊपर के लिए रास्ता है, यानी कि जो ऊपर पे टॉप पे गांव है वहाँ पे जाना है। तो अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो चढ़ाई कंप्लीट करते हैं, देन वहाँ पे पहुँचते हैं। और गाइस, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं, और चक्रव्यूह देख सकते हो यहीं ऊपर पे, जस्ट ऊपर पे, और चंद्रकलमुख की दूरी, और उसके बाद सीधे चक्रव्यूह। तो अब चलते हैं जल्दी से। अब
फोसकर चतुर्व्यूह में घुस गया। सो गाइस, थोड़ी देर चक्रव्यूह देखने के बाद और अब हम आ चुके हैं घर के लिए वापस। और अभी जो चढ़ाई हमने ज़्यादा टाइम पार की थी वहाँ पे अब हम नीचे के लिए जा रहे हैं, तो वो इस टाइम पे मज़ा आ रहा है नीचे जाने में। और धूप देखो बस जाने वाली है, और अभी तक जो है चक्रव्यूह ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि अभिमन्यु का वध नहीं हुआ है। और हम जल्दी आ गए क्योंकि और देर रुकते तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता, तो अब जल्दी से चलते हैं नीचे रोड पर, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके चलते हैं घर। चलो तो गाइज हम पहुँच चुके हैं रोड पे और अब चलते हैं आगे घर के लिए। चलो प्रियंका और भैया लोग अभी पहुंच चुके हैं घर पे, और मैंने इनके लिए बना दिया है गरम गरम चाय। थैंक यू उसके लिए। और साथ में मैं लाई हूँ भैया लोगों की लाई हुई जलेबी, देखिए। अच्छा तू लेके आए हमारे लिए? हम लेके आए तू लिए? नहीं, मैंने प्लेट में परोसी है, बाकी लाई है भैया लोग है। अच्छा, ऐसे भैया लोग लाए है तो टेस्ट करके देखते हैं। तो आप प्लीज, खट्टी होती है मीठी होती है कैसा होता है टेस्ट बताने जरा। ठंडी है? हाँ ठंडी तो होगी ना, उतनी दूर से आए आप। काफ़ी ठंडी है लेकिन चाय के साथ मज़ा आएगा। अब ऐसे बता दूँ, जलेबी काफ़ी क्रंची है। हाँ क्रंच है उसमें, बहुत टेस्टी है। जलेबी के साथ अगर चाय पियोगे ना, चाय फीकी हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना, नॉलेज की बात है। ये देखो मैंने चाय क्रिस्टी टेस्टी टेस्ट। तो दोस्तों मिलिए हमारी मामी जी से। आप हमारी मामी जी कपड़े धो रही है। जो मामी आपको ठंडा नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। ओ ये कपड़े नहीं, यहाँ पे चिकन धुल रहा है दोस्तों। हो गया यार। ये देखो हमारे मामी जी को शर्म आ रही है। और ये हमारे नाना जी हैं जो आग सेक रहे हैं। ये देखिए इसे बोलते हैं खवा, अभी तक अंदर बैठा हुआ था फोन पे, अभी निकला बाहर। ये मामी आपने तो जलेबी टेस्ट करी नहीं, टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। मेरे हाथ तो चिकन गिर गए। कैसी हो रही? मिर्चा मामी तीखी हो रही है, मीठी हो रही है, खट्टी हो रही? थोड़ा ठंडी है पर ठीक है। अच्छी है ना क्रंची? यस। तो देखिए दोस्तों हमारी मामी जी को भी जलेबी पसंद आ गई है। और अभी हम इसे रखते हैं अंदर। तो हे गाइस, यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती हुई, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।